हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता की। तो फ्रेंड्स, शिक्षा की जड़ कड़वी जरूर होती है पर फल उसका बहुत मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। एज यूजुअल मॉर्निंग दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में दाल भी बनाने जा रही हूँ। दाल निकाल लिए धोने के लिए, फिर इसको चढ़ाऊँगी ऑफिस के लिए। और घी का बना रही जूस, चाय सुबह ही पी ली थी 6 बजे, ये टाइम हो रहा 7 बजे के आसपास। ये है बाहर का व्यू, हल्की सी धूप आने लगी है। बरसात के बाद की जो धूप होती है ना, वो बहुत ही तीखी सी होती है, वही वाली धूप निकल रही है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है 7 o'clock, ब्योली भी उठ गई है और अभी हमने सुबह चाय बनाई थी, अब मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो थोड़े से बर्तन उनको धो लिया और मैंने चढ़ाई हुई है दाल और सब्जी काट के रख ली है। ये छोटा वाला जो छोटा सा कद्दू होता है वो, और बेवली ने गोद लिया आटा और चाय बनाई थी तो थोड़ी सी चाय बच गई है। साथ में मैंने चढ़ाई हुई है दाल और खाना, सुबह का ब्रेक टिफिन बना रही बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स, कैसे आप सब आए होंगे, सब अच्छे से होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। माता रानी कृपा आप पे बनी रहे और आपके चेहरे पे सदा मुस्कान बनी रहे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी मटरू जा रही है स्कूल, उसका आज है फर्स्ट डे। हाँ, और आज है छठा नवरात्रा और हम मटरू को मंदिर में माता रानी के दर्शन करवा के फिर उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। और आप लोग भी मटरू को आशीर्वाद दीजिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे। लाइफ की तरक्की का पहला दिन है आज, उसके अब यही बच्चों का स्कूल जाना, टाइम से उठना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा आज से। एक महीने में अब वो बड़ी हो रही है, अभी तक तो घर में आराम से खेलती थी, कोई चिंता नहीं, कोई फिगर नहीं। लेकिन अब उसके बिजी शेड्यूल जैसे आम बच्चों के होते, सुबह चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, टाइम से उठना और स्कूल जाना। तो अभी वो रेडी हो रही है, उसकी मम्मी उसको तैयार करी, ये वाला उसका रूम है, और बाहर आएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ममता रानी भी उठ गई है। ममता तो जल्दी उठ जाती है, नहीं जल्दी उठ जाती है, उठ गई है। और अभी मैं आऊँगी तो फिर अच्छे से चाय बनाना। हम लोग चाय बहुत पीते हैं, ये तो कम पीते, मैं पीती हूँ जरा जरा देर में, मुझे चाय चाहिए होती है। मैं और गुड़िया मटरू को छोड़ने जा रहे हैं, तब तक तो ये नहा के मंदिर होके आएगी नीचे। हम तो गीजर ऑन कर लो अपना, कितने पे है, कितना नंबर है? 67। ठीक है, हमारा है ना, तो ये नहा के तैयार हो जाएगी फिर मंदिर हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 9:30। हेलो बेबी, चलो बाय बाय। आर यू रेडी, आर यू रेडी बेबी? ओहो, आवर लिटिल प्रिंसेस। बोले तुम तैयार नहीं हुई क्या? चलो और हमने ये मटू का बैग, हमने इसमें एक स्लिप डाली है, इसमें घर का एड्रेस फोन नंबर वगैरह सब लिखा, मटू का नाम, पापा का नाम सब लिखा। गुड़िया, पापा का नहीं, मटू का नाम और 2-3 फोन नंबर लिखो, पापा का भी लिख। हाँ, पापा का नाम भी लिख दो। और बंद कर, अभी मम्मा बंद करेंगी बेबी, अभी करेंगी बंद। फोन नंबर हर्षु का अपना, दोनों का लिख। हाँ, क्या क्या भर दिया मैंने, इतना नहीं डाला था इसमें। चलो गेट रेडी बेबी, चलो देखना, क्या क्या डाल दिया, एक एक्स्ट्रा बॉटल। बेबी इतना नहीं ले जाते बैग में, रखो, ये अमू भर के दे दो इसको। ओके ओके, पानी ला रही बेबी, इसमें शूज पहनो, वहीं पे रखो, सूज सूज सूज, खड़ी हो, टांग के तो दिखाओ, आ भी रहा है कि बड़ा बैग ले आए। अमू भर रही है, अभी भर रही, बॉटल भर रही, ये वेरी गुड।
वाह बैठो, शूज पहनेंगे, बैठो बैठो, जय करो जय, हाथ जोड़ के जय करो, कैसे करेंगे जय करो जय, वेरी गुड, जय माता की। चलो शूज पहना दो इसको, पूरे सॉक्स भी पहनाओगी क्या? काम काम काम, भगवान जी को जय करो जय करो, जय माता रानी करो, जय 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 जय, गुड गर्ल। चलो आ जाओ, बुढ़े चूचू वाले सोच। चलो ठीक है ठीक है, चलो मठू जा रही स्कूल, चाची चाची छोड़ने आई हुई है। मटू चाची को लावी बोलो, किसकी घर की, कौन सा घर पे ही है, चलो लेट्स गो, चलो चलो आगे, चलो गुड़ी आगे, चल चलो बाय चाची बाय। चलो फोन गिर गया बेबी का, ओए होए फोन, मैं ले फोन बड़ा तेरा फोन तो बोलने लगे तू। अच्छा मैं देखी हाँ वीडियो में, देखी वीडियो देख, हाँ मैं भी चलूँ स्कूल, बोलो दीदी है, बोलो चलूँ दीदी को जय किया तुमने, नहीं चलो जय करो दीदी को, देखते पर क्या करिए भूलती नहीं है। हम बेबी को माता रानी के मंदिर में हाथ जोड़ पत्थर टेकवाने ले जा रहे हैं, बेबी को माता रानी के मंदिर में बेबी पत्थर टेकेगी, बेबी जय देर जय हो जय माता की। स्कूल थोड़ा नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, रोटी पकाती हुई दिखती है बस। इधर साइड साइड इधर का उजाले, रोने की क्या बात है, पहला स्टेप है, तुम भी तो इतना हॉस्टल में रही हो अपनी मम्मी से इकलौती बेटी होके, पैप है तो रो मत, अभी आ जाएगी लेना उसको एक आध घंटे में, कहीं रुक जा, रो मत मैं वीडियो भी बना रही सामने, रो उस दिन मैं नोट करके गई थी कि इधर से आना है। और जब तक मटरू का स्कूल है मैं बाहर बैठी हूँ गार्डन में, स्कूल के बाहर जो गार्डन एरिया वहाँ पे आज उसका फर्स्ट डे है ना, तो मैं उसको जल्दी से ले आऊँगी, तो उसकी मम्मी तो रो रही थी कि स्कूल बुरा लग रहा था उसको, फर्स्ट टाइम हमने ऐसे अकेले छोड़ा है, तो ये कोई दो घंटे में उसको मैं वापस ले आऊँगी, दो से भी कम एक डेढ़ घंटे के आसपास में उसको वापस ले आऊँगी। तो और यहीं पे मंदिर भी है सामने, आते हो तो मैं वो उतनी देर में उसमें मंदिर में भी होके आ गई, आज मंडे है और माता रानी का दिन भी है। अब हमारी मटरू आई है स्कूल से, हेलो बोलो, एक बज गया, वीडियो बनाई मैंने, स्कूल के दिन याद आ रहे थे। और और ना ममता ने खाना खाया था एक बजे ब्रेकफास्ट, ना ममता ने खाया था ये, और ना गुड़िया ने खाया, अब खा रहे हम लोग।
मैंने भी दिखाया था, मैं तो स्कूल में थी इसलिए मैंने दिखाया था। और ये दोनों मट्टू को याद कर रही थी, मिस कर रही थी बहुत कि अभी आएगी, रो रही होगी। और जब मैं इसको लेने के रहे थे इसने मुझे इग्नोर मारा, मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सब्जी, रोटी और गुड़िया खारी पराठे। तो फ्रेंड्स, अब आज का ब्लॉग जाता हमारा एंडिंग की तरफ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने विचारों में हमेशा पॉजिटिविटी लाइए। किसी ने क्या फूक कहा है, अगर खेतों में बीज ना बोया जाए तो प्रकृति वहाँ पे घास फूस भर देती है। इसी तरह अगर हम अपने अपने विचारों में अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी ना लाएं तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, गुड नाइट।